कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महंगाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी पूरी बात। दुनिया के उन देशों में है जहां विकास तेजी से हो रहा है और महंगाई दर नियंत्रण में है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना के बाद दुनिया के कितने ही देश हैं जहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन देशों में गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, आज महंगाई की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आप हमारे पड़ोस में ही देखें तो पाकिस्तान में महंगाई दर कितनी है, 38% से ज्यादा महंगाई है, 38%। श्रीलंका में महंगाई दर कितनी है, 25% से ज्यादा है। बांग्लादेश में महंगाई कितनी है, 10% के आसपास है। और भारत में महंगाई का दर कितना है, 5% से भी कम है। यानी कोरोना के बावजूद इतने समय से चले जा रहे युद्ध के बावजूद भारत में हमने महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया है। और आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि भाजपा सरकार का जोर तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचत कराने पर है। अब जैसे मोबाइल डेटा का उदाहरण ले, ये आपको काम आएगा जरा, ये जो मोबाइल डेटा है ना, आप कभी यूट्यूब टिकना फलाना करते होंगे तो आपको जरा ध्यान रखना। आज हर भारतीय हर महीने करीब करीब एवरेज करीब करीब 20 GB डेटा इस्तेमाल करता है। आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, 20 GB डेटा। अगर 2014 से पहले जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 1 GB डेटा अगर आप उपयोग करते थे तो उसकी कीमत लगती थी 300 रुपया, करीब करीब 300 रुपया। उस हिसाब से अगर आज आप देखते तो आपका मोबाइल का बिल हर महीने कम से कम 6,000 रुपया महीने आता। अगर 2014 वाली कांग्रेस की सरकार के हिसाब से देखें तो आज मोबाइल का फोन एवरेज आपका 6,000 रुपया आता। लेकिन भाजपा सरकार ने डेटा को गरीब के लिए बिल्कुल सस्ता कर दिया है, इसलिए अब आपका मोबाइल 20 GB डेटा के लिए उसको कितना देना पड़ता है, मुश्किल से 200-300 रुपया देना पड़ता है। मतलब कि आपका करीब करीब 5,000 रुपया हर महीने बच रहा है। जिसके भी पास मोबाइल है करीब करीब 5,000 रुपया बच रहा है। आप गांव के लोगों को समझा सकते हैं कि मोदी सरकार होने का मतलब क्या होता है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको एलईडी बल्ब का। जब कांग्रेस के समय के ये जो लट्टू होते ना, ये एलईडी बल्ब 300-400 रुपये में बिकता था, 300-400 रुपया। आज बीजेपी सरकार में एलईडी बल्ब की कीमत हो गई 50-60 रुपया। कहां 300-400 और कहां 50-60। और बीते वर्षों में जो करीब करीब 40 करोड़ सस्ते एलईडी बल्ब दिए गए, उसकी वजह से गरीब और मध्यम वर्ग का हर साल जो बिजली का बिल था वो करीब 20,000 करोड़ रुपया कम हुआ है। ये 20,000 करोड़ रुपया लोगों के जेब में कहीं ना कहीं बचा है, किसी का 100, किसी का 200, किसी का 500। आपने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी पीएम बीजेपी के बारे में भी सुना होगा। आप दवाई की दुकानें, जन औषधि दुकानें देखा होगा आपने। आप पोलिंग बूथ में जाइए ना, लोगों को जरूर जन औषधि दुकान वाला जरूर बताना।
आज जन औषधि के स्टोर में उत्तम से उत्तम प्रकार की दवाई सस्ते से सस्ते में मिलती है। इन स्टोर की वजह से गरीब का करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया बचा है। अगर एक परिवार में 60, 70, 80 साल के बुजुर्ग है और डायबिटीज है, अगर उनको महीने में 2,000 की दवा लगती है तो जन औषधि केंद्र में 100-150 रुपए में दवाई मिल जाती है और उनका महीना भर निकल जाता है। ये लोगों का पैसा बचाने का भाजपा का ये तरीका है। दोस्तों, आपके बूथ में ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया है। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इस योजना की वजह से करीब करीब 5 करोड़ लोगों ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपना इलाज कराया और एक पैसे का खर्च नहीं हुआ है। अगर आयुष्मान भारत योजना नहीं होती तो इन गरीबों को अपने इलाज में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ता। अभी 80,000 करोड़ बचा कि नहीं बचा? ये गरीब का भला हुआ कि नहीं हुआ? ये मध्यम वर्ग के परिवार का भला हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, गरीबों की सेवा का ये भाव, गरीब की जेब की चिंता, भाजपा हर पल उनकी मदद में